कभी ईमानदारी से चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन असली वोटरों को लिस्ट से हटाकर दिल्ली में केजरीवाल को हराया जा सकता है। सर, प्लान तो आपका बढ़िया है, मगर ये काम करेगा? मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा? हमारे पास हरियाणा महाराष्ट्र का अनुभव भी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो की जो आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर डाली है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर वोट लिस्ट वोटर्स के नाम काटने का आरोप लगाया था। अब आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा करी है। उस वीडियो में अगर आप देखें तो थ्री इडियट के मूवी का एक छोटा सा सीन कटिंग करके डाला है। यह वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट वोटर के नाम काटने की साजिश कर रही है। वीडियो में मूवी के किरदार प्रोफेसर वीरू सहस्रबुद्धि अमित शाह का चेहरा लगाया गया है। सामने भाजपा सांसद मनोज तिवारी बैठे हैं और उनके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा भी हैं। आप वीडियो नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो में अमित शाह कहते हैं कि दिल्ली में हम तो कभी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन असली वोटर्स को लिस्ट से हटाकर दिल्ली में केजरीवाल को हराया जा सकता है। कैसे? जरा इस तरीके को समझाओ, आंखें खोलकर देखो। उसके बाद उन्होंने कुछ संख्या को काट कर दिखाया और कहा कि मानो दिल्ली में जहां केजरीवाल को इतने वोट पड़ते हैं, इनमें से एक या दो जीरो निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें से एक और जीरो निकल जाए तो फर्क पड़ेगा और यह संभव है। असली वोटों को हटाकर क्या है, अब एक और या दो जीरो को कम कर दिया जाए तो दिल्ली की सत्ता को पाया जा सकता है। आगे मनोज तिवारी कहते हैं कि प्लान तो आपका बढ़िया है, मगर ये काम करेगा? मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा? इसके जवाब में अमित शाह कहते हैं कि मैंने चुनाव आयोग के साथ पूरी प्लानिंग कर ली है, केजरीवाल को ऐसे ही हराया जा सकता है। हमारे पास हरियाणा महाराष्ट्र का अनुभव है ही, हम भर भर कर आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे, तभी हमारा कुछ हो सकता है। तो यह सब था इस पूरी वीडियो में। वीडियो के इस कैप्शन में हैशटैग स्पूफ भी लिखा हुआ था। भाजपा की वोट काटने की पाठशाला यह थी कि इस पूरे वीडियो में कहानी वीडियो के माध्यम से बताया गया है। जी हाँ, भाजपा कुछ भी कर ले, दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए भाजपा वोट काटने की साजिश कर रही है। यह तो हो गई राजनीति की बात। अगर इन सब में से हम लोगों को साइड कर दें तो आज के युग में, आधुनिक युग में, चुनाव के समय सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की भी इमेज को डाउन कर दिया जाता है, सच या झूठ को बना दिया जाता है, झूठ को सच बना जाता है तो सच को झूठ बना दिया जाता है। यही खेल उस पर चल रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से ये हमारा मकसद आम आदमी पार्टी का विरोध करना नहीं है, बल्कि उन्होंने जो वीडियो बनाया है वो आपके साथ साझा करना है। इस वीडियो की सच्चाई आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। कृपया करके आप ऐसे वीडियो और झूठ फैलाने वाली वीडियोस, जिसे हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये कार्य सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है, बल्कि यह हाल ही में डाला हुआ वीडियो है, इसलिए हमने आपके साथ इसे साझा किया। राजनीतिक पार्टियां भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियो डालती रहती है एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे देश की दो राजनीतिक पार्टियां, सबसे बड़ी बीजेपी और कांग्रेस, ने ऐसी वीडियो का उपयोग करा था। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि साबित करने में लग गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वही कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बल बुद्धि साबित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया था। आप सभी से निवेदन है कि ऐसी वीडियो से सावधान रहिए और दूर रहिए। और आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ऐसे ही वीडियो पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जवाब तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। खबर को लिखा था निखिल कुमार ने, कैमरा के पीछे मेरे साथ आकाश जैन, मैं प्रथम लुसिया, सामाजिक संवाद।